बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अर्तगल गाजी का किरदार अदा करने वाले एंगन आल्तान उम्मते मुसलमा को इस्लाम की तबलीग करने लगे। मकबूल तरीन ड्रामा अर्तगल गाजी के मारूफ किरदार अर्तगल गाजी का किरदार अदा करने के बाद शोबस की दुनिया को खैर आबाद कहने का इरादा रखते हैं। कई दहाइयों से फिल्मी एक्टर को इस किरदार की वजह से शोहरत हासिल हुई है। एंगन आल्तान को देखते ही लोग अर्तगल गाजी का नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। एंगन आल्तान इस किरदार में डूब कर रह गए हैं। 5 साल इस ड्रामे का किरदार अदा करते करते इस किरदार को खुद पर गालिब देखने लगते हैं। मुद्दतों पहले हॉलीवुड के किरदार एंथोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर बनाई जाने वाली फिल्म दी मैसेज में हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार अदा किया था और सालों तक वो इस किरदार से बाहर ना निकल सके। यही कुछ अर्तगल गाजी के किरदार अदा करने वाले एंगन आल्तान के साथ भी हो रहा है। उन पर अर्तगल गाजी का किरदार हावी होता चला जा रहा है। अब वो शोबस की दुनिया से बाहर निकलने पर लग गए हैं। इस ड्रामे की वजह से इस्लामी तहजीब व तमद्दन ने उन पर काफ़ी असर छोड़ा है। एंगन आल्तान तुर्की के महंगे तरीन अदाकारों में शामिल हो चुके हैं। एंगन आल्तान अब ड्रामे के किरदार से बाहर आकर भी नौजवान नस्ल को अपनी तहजीब और तमद्दन से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए खैर आबाद कह देंगे। नाज़रीन, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी?